हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा कि गाइज आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना। मैं आपको स्टेप टू स्टेप वीएन एप्लीकेशन में इस टाइप का वीडियो कैसे एडिट करते हैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर देना और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी वीएन, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो सिंपल से अपने फोन में जल्दी से प्ले स्टोर ओपन कर देता हूं और इधर आने के जस्ट बाद में आपको टाइप करना है वीएन। जैसे आप वीएन टाइप करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, तो इसको इंस्टॉल कर देना। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है तो डायरेक्ट इधर से ओपन कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको इधर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। इधर से आपको अपनी गैलरी का जो जो वीडियो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो इधर से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर देना है जो आप एडिट करना चाहते हैं। ये वाला वीडियो है जिसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इधर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वीडियो इस तरह के इंटरफेस में आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा इस वीडियो को पहले आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ और इस वीडियो को प्ले करके भी आपको बता देता हूँ। सिंपल सा वीडियो है मेरा, इसमें अभी तक कोई एडिटिंग नहीं है। और आपको भी इस तरह से अपने वीडियो को शूट कर देना है नॉर्मल। आपको अपने वीडियो फोन में इस तरह के कैमरे से वीडियो को शूट कर देना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ऊपर से ज़्यादा देखने को मिले और नीचे से कम। तो आपको भी मेरे वीडियो के जैसे शूटिंग कर देना वीडियो को। इसके बाद में जो भी फोटो आपको ऊपर ऐड करना है वो आपको डाउनलोड कर देना है गूगल से या फिर अपने फोन में होना चाहिए। फिर आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इधर से आपको वीडियो फोटो पर क्लिक कर देना तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और इधर से आपको जो भी फोटो लेना है फोटो पर क्लिक कर देना है। जो फोटो आपको ऊपर ऐड करना है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ऊपर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये वाला फोटो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। फिर इस फोटो की साइज़ को बड़ा कर देना है। इस टाइप से इस फोटो की साइज़ को बड़ा कर देना है, अपने फोटो पे इस टाइप से सेट कर देना है। और आपको जिस साइज़ में आपको फोटो रखना है उसके हिसाब से इस फोटो की साइज़ को सेट कर देना है। और उसके जस्ट बाद में आपको इधर से बैक करना है, इधर से आपको इसको बड़ा कर देना है और फिर इसको इस टाइप से बढ़ा देना है। लास्ट तक अपने वीडियो के लास्ट तक इसको बढ़ा देना है, फर्स्ट में आ जाना है वीडियो के। फिर आपको इधर से आगे मूव करना है, इसी फोटो पर क्लिक रखना है और फिर आपको आगे मूव करना है। और इधर आने के जस्ट बाद में आपको इधर से मास्क पर क्लिक कर देना है, फिर ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल टैप करना है, फिर आपको इस ऑप्शन को बढ़ा देना है। इसको इस टाइप से सेट कर देना है, मतलब कि अपने चेहरे पर ना आए इसके ऊपर इसको सेट कर देना है इस टाइप से। और ये टाइप से आपको सेट कर देना है, फिर आपको इसको ये ऑप्शन को टच करके इसको बढ़ा देना है इस टाइप से। तो ये फोटो आपका इस टाइप से इधर ऐड हो जाएगा। फिर आपको इधर से राइट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में वापस इधर से ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इधर से आपको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है, फिर आपको वापस राइट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो ऊपर तो ऐड हो गया है, लेकिन अपने को वीडियो को एडिट करना है, अपने वीडियो के हिसाब से इस फोटो को ऐड करना है। तो आपको देखना है कि अपना जो बैक साइड में घूमने वाला जो स्टेप है उसको सेलेक्ट कर देना है। तो देख लीजिएगा ये अपना बैक साइड में घूमने वाला स्टेप है, तो इसको कट कर देना है। तो इधर से मैं बैक साइड घूम रहा हूँ तो इधर से इस वीडियो पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। और इधर से बैक साइड घूमने वाला जो स्टेप है इसको पूरा इधर से इस टाइप से कट कर देना है देखने के बाद। फिर इसकी जो स्पीड है इसको बढ़ा देना है, स्पीड पर क्लिक करना है, रेगुलर पर क्लिक करना है, फिर आपको इसको बढ़ा देना है। इस टाइप से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आपको इधर से राइट पर क्लिक कर देना है। और देख लीजिएगा उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना है कि इस फोटो के मतलब कि जो लास्ट वाला जो अपना क्लिप है वीडियो का उसके आगे की साइड में आ जाना है, फिर फोटो पर क्लिक करना है, फिर इधर से आगे मूव करना है, इधर से इस वीडियो को कट कर देना है, फोटो को इधर से इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो गया है। फिर आपको वापस फ़ोटो पर क्लिक करना है और फिर आपको इधर से एफएक्स पर क्लिक करना है, आगे मूव करना है, इधर से ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इसको आगे लाना है और फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है, वापस वीडियो पर क्लिक करना है, एफएक्स पर क्लिक करना है, आगे मूव करना है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है और इसको भी आगे सेट कर देना है, फिर इधर से राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये दोनों ऑप्शन इधर सेट हो गया है। और मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ कि कैसे एडिट हुआ है। तो देख लीजिएगा नॉर्मली ये वीडियो प्ले हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में पूरी एडिटिंग हो गई है। देख लीजिएगा ये फोटो भी एडिट हो गया है। तो आप इस तरह से सिंपल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कलरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल आपको बताने के लिए वीडियो बनाया तो कोई खास मैंने वीडियो इसमें एडिटिंग नहीं किया और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी मैंने नहीं रखी है क्योंकि मैंने ऑनली आपको बताने के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो इस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं। फिर इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना तो ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो लोगो है इसको डिलीट कर देना। लास्ट में आना, इधर आपको लोगो देखने को मिलेगा वीएन एप्लीकेशन का, वो डिलीट कर देना है तो आपका ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा विदाउट लोगो के। तो सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।